टीआरएस गवर्नमेंट आना चाह रहा हूँ। एक बोलते अब तक जो कुछ भी बेनिफिट्स है कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे चुकी। मुसलमानों को इंसाफ हुई तो टीआरएस गवर्नमेंट से ही हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट उतने साल थी कुछ भी नहीं कर सके। अब क्या है कि बोल रहे हैं वो बनाते हैं बनाते हैं, वो होने के काम नहीं होते। मेरे को तो भरोसा नहीं है दूसरे गवर्नमेंट पे। अब उन्हें इन्हें लड़ने को और एक शैतान बीच में आना देख रहा, उसको न्याय दे तो मुसलमान जी को बाहर पड़ते। गवर्नमेंट तो वही केसीआर ही है। अभी तो ये 5 साल हुए, अभी बहुत दिन बाकी है, आगे देखते चलो क्या क्या होने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद तकी है, नलुंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। टीआरएस गवर्नमेंट आना चाह रहा हूँ। एक बोलते अब तक जो कुछ भी बेनिफिट्स है कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे चुकी। मुसलमानों को इंसाफ हुई तो टीआरएस गवर्नमेंट से ही हुआ। मैं हमारे नलुंडे में तो पक्का अच्छा ऐसे क्या शादी मुबारक के पैसे आए बच्चों को, बहुत सारी लड़कियों की शादियाँ हो गए और स्कूल माइनॉरिटी स्कूल खुले। ये सब तो उनकी मेहरबानी से ही है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट उतने साल थी कुछ भी नहीं कर सके। अब क्या है कि बोल रहे हैं वो बनाते हैं बनाते हैं, वो होने के काम नहीं होते। मेरे को तो भरोसा नहीं है दूसरे गवर्नमेंट पे। अब उन्हें इन्हें लड़ने को और एक शैतान बीच में आना देख रहा, उसको न्याय दे तो मुसलमान जी को बाहर पड़ते। और अभी थोड़े रिसोर्सेज बढ़ाना मुसलमान बच्चों को पढ़ाई के लिए, और स्कॉलरशिप्स अभी बढ़ाना। पर रिजर्वेशन का चल रहा हो मसला हो, जल्दी हल हो गए तो 12% रिजर्वेशन आया तो मुसलमान बच्चों के जरिए आसान होता, नौकरियों में हर एक जगह आसान होता। एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। हर कोई अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, हर कोई अपना अपना काम करते हैं। जब किसी का बुरा वक्त आता है, बुरा टाइम आता है, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वक्त पर पहुंचती है। लखीब मिल्लत आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये बेबाक कायदीन हैं जो आज अकेला तनहाई कभी भी कुछ भी फिसाद होता है, किसी फुटपाथ पर तकलीफ़ होती है, किसी को भी तकलीफ़ होती है तो मजलिस पहुँचती है। हमारा मकसद एक ही है, एक इत्तेहाद की ज़रूरत है आज। चाहे वो कोई भी रहो, चाहे वो मजलिस बचाओ तहरीक हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको आज एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैं उन मुनाफिकिनों से भी यही सवाल कर रहा हूँ कि तुम वहाँ करना क्या चाह रहे हैं। जब असदुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़, अकबरुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ बोल रहे भाई, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि तुम लोगों के भी जब इख्तदार तुम्हारे पास भी आया तो तुम भी वही काम करेंगे? तुम्हारे पास कौन सी इंसानियत है? जब ये कभी असदुद्दीन अवैसी के ऊपर इल्ज़ामात, कभी अकबरुद्दीन अवैसी के इल्ज़ामात, मैं पूरों को एक चैलेंज करके साथ कहता हूँ कि याकूबपुरे में जो चल रहा है मैटर, तुम भूल जाओ कि याकूबपुरा जैसा कि चार मीनार जितने कांग्रेस के लोग जो ठहरे हुए हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोगों का नाम लिए तो बढ़ावा होता है कि इंशाल्लाह ताला याकूबपुरे में हलखे अहमद पाशा खादरी और मुमताज़ अहमद ख़ान, नामपल्ली से मेहराज हुसैन, और मेरी और एक दुआ है कि इंशाल्लाह ताला राजिंदर नगर की भी सीट हमारी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं तमाम हैदराबाद की आवाम को एक दिलासा, याकूबपुरे की आवाम को एक दिलासा दिलाना चाह रहा हूँ कि ये लोग क्या है मालूम, 5 साल में एक बार आते। परसों अकबर साहब बोले एक जलसे में, अकबर साहब क्या बोले कि एक शटर उठाते दुकानदारी चालू है, ये दुकानदारी है, हम खान साहब के बच्चों का कोई काम धंधा नहीं है। ये लोग याकूबपुरे में मर लेना इंशाल्लाह ताला, पाशा खादरी जो है भारी अक्सर से कामयाब होंगे। शुक्रिया। गवर्नमेंट किसके आना? गवर्नमेंट तो वही केसीआर, और इंशाल्लाह केसीआर के तेलंगाना में केसीआर ही आएंगे। और केसीआर हम जब तक चाहते हैं कि केसीआर जो है गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तो ये 5 साल हुए, अभी बहुत दिन बाकी है, आगे देखते चलो क्या क्या होने वाला है।
విశ్వనాథ్ రెడ్డి. మేరా నామ్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి. 90 ఏళ్ళ దుకాణే వ్యవసాయకి వాళ్ళకి వాస్తే టీఆర్ఎస్ 4,000 రూపాయ ఎక్కరకు దేరా ఔర్ బీమా పథకం కరా ఔర్ కెనాల్ నై వాళ్ళకు కెనాల్ లాల్కే పానీ లేకే ఆరా ఖేత్ బోడి ఔరత్ బచ్చే ఫాయిదా హువే తో 13,000 రూపాయ మరద్ బచ్చే ఫాయిదా హువే తో 12,000 రూపాయ లక్ష్మి కరా షాదీకే తలాక్ షాదీకే వాస్తే 1,116,000 రూపాయ దేరా ఔరు ఔర్ ఇన్నో ఆయతో అచ్చాయ్ లంగుడుకు కాకి 1,500 రూపాయ పింఛన్ దేరా ఔర్ 200 వాళ్ళకు 1,000 రూపాయ పింఛన్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆయతో ఆగే బడ్ సక్తి దూసరి గవర్నమెంట్ ఆయతో సమాల్ నహీ సక్తి.